नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर या है और मैं 28 साल सीआरपीएफ में ड्यूटी करके नवगढ़ के मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट आया हूँ। मैं पेंशन आके एक साल हो गया। 2019 नवा मेले में मैं आया था, उस टाइम में ये कुदरती का मानो या कुछ ये ऑफिस का सभी कोविड की वजह से मैं बहुत तंग आ गया, तो मैं आखिरी में यहाँ आया। अभी मैं हर जगह में फोन किया, दिल्ली में सब जगह में मेरे को बहुत दुखी महसूस हुआ। मैं हाथ जोड़कर मैं आज घर से निकल ही गया, चलो मेरा पिता पेंशन क्यों रहे यहाँ बोल के मैं एसबीआई ब्रांच में आया, मेन ब्रांच में आया था। आज आके मैं आते ही मिस्टर नरेंद्र कुमार से मिला तो उन्होंने पटापट मेरा अकाउंट नंबर मांगा। अकाउंट नंबर मांगते ही पूरा विवरण बता दिया, आपको इसी में आया है, फिर 10 दिन के अंदर आपको कार्रवाई हो जाएगा बोला। ये सुनते ही मेरे को जो एक साल का मैं कष्ट सहन किया था वो सभी दूर हो गया। मुझे ये भी आश्वासन दे रहा है अगला 10 दिन का अंदर आपको हो जाएगा। मुझे इतना खुशी है, मैं इसी का वजह से एक साल से बहुत दुखी था और परिवार से दुखी था। मेरा पैसा नहीं आने की वजह से मैं क्या होगा इस कोविड के अंदर, फिर घर का बाड़ा सब कुछ फाइनेंशियली मेरे बहुत ये है। अगर 10 दिन आगे हो जाएगा बोल रहे हैं, ये मैं इसी उम्मीद से मैं जा रहा हूँ। लेकिन ऐसा पहली बार मेरा लाइफ में इतना अच्छा व्यवहार किया इस एसबीआई के अंदर। मैं एक फौजी होने के नाते पूरा देश के अंदर घुमा हूँ, लेकिन हर गवर्नमेंट ऑफिस में घुमा हूँ, लेकिन यहाँ इतना तसली से एक जो भूखा को जैसा खाना मिलता है वैसा मुझे यहाँ आनंद हुआ। ये सुन के मैं उम्मीद रखता हूँ इन्हीं स्टाफों से मुझे 10 दिन का अंदर ये पैसा मिल जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। Thanks.